नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर और केकड़ी जिले के दौरे पर रहे, विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री ने ली संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के दिए निर्देश। घर घर पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा, पात्र वंचित परिवारों को मिल रहा योजनाओं का लाभ। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सपना शाह, मेरे साथ हैं शेखर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर और केकड़ी जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने अजमेर के गनाहेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यहां लगी सभी योजनाओं के स्टॉल्स का अवलोकन और लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचाना राज्य सरकार का ध्येय है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केकड़ी जिले के भांडावास में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। शिविर के माध्यम से कोई भी पात्र व्यक्ति जिसको जिस योजना को लाभ मिलना है वो छूट ना जाए, ये हम आप सभी की जिम्मेदारी है कि वो छूटे ना। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ मिले, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजना हर व्यक्ति के लिए है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उदयपुर प्रवास के दौरान संभागीय आयुक्त कार्यालय में संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास है। हमारा दायित्व है कि अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करें और जनता के विश्वास को कायम रखें। सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम पंक्ति पर बैठे पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है, इसके लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने संगठित अपराधों पर सख्ती से नकेल कसने के साथ ही अभय कमांड सेंटर के सुचारू संचालन और कैमरों के रखरखाव के भी निर्देश दिए। श्री शर्मा ने अधिकारियों और विभागीय कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग, दफ्तरों में अच्छी व्यवस्था माहौल रखने और कार्यों को समय पर निपटाने के आदेश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्लान 5 वर्षों का नहीं बल्कि 25 वर्ष के लिए होना चाहिए ताकि आमजन को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने विभागवार योजनाओं की जानकारी लेते हुए बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा के साथ ही सभी जिलों की प्रगति की भी समीक्षा की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्व हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामना दी है। राज्यपाल ने कहा कि हिंदी भाषा नहीं बल्कि संस्कृति है, ये जन जन की भाषा है। उन्होंने दुनिया के कोने कोने में फैले हिंदी भाषियों से अपने घर परिवार में इसका अधिकाधिक प्रयोग करने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज सीतापुरा स्थित JECC में जयपुर फैशन एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि गारमेंट एग्जीबिशन के माध्यम से जयपुर के मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को एक नई ऊंचाई मिलेगी। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड कार्यालय में समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अस्पताल और अन्य निर्माण कार्य जो RSRDCC द्वारा करवाए जा रहे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ये विभाग आमजन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे कामों का असर भी दिखना चाहिए। हमारा विभाग जितना अच्छा काम करेगा जनता को सुविधाओं का लाभ उतना ही बेहतर मिलेगा। उन्होंने पूरे राज्य में सड़कों के ऐसे क्षेत्र जो अनसेफ हो चुके हैं और दुर्घटना के कारण बन सकते हैं उन्हें चिन्हित कर तत्काल ठीक करने के निर्देश भी दिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को सूचना तकनीक से जुड़े अधिकारियों की बैठक में कहा कि विधानसभा में शीघ्र ही हेल्प डेस्क की स्थापना होगी जो राजस्थान के प्रत्येक विधायक को पेपरलेस प्रक्रिया का प्रशिक्षण देगी। देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की गतिविधियों की जानकारी आम जन को तुरंत मिल सके इसके लिए संसद टीवी की तरह राजस्थान विधानसभा का भी टीवी चैनल और व्हाट्सएप चैनल बनाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान विधानसभा को साइबर खतरों से बचाने के लिए सभी सुरक्षात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में टेक्निकल और डिजिटल अपग्रेड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को पंत कृषि भवन में कृषि और उद्यानिकी विभाग, बीज प्रमाणीकरण संस्था और राजस्थान राज्य बीज निगम की बैठक ली। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने
कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से विभाग द्वारा संचालित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रमुख गतिविधियों की जानकारी भी ली। डॉक्टर मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि के क्षेत्र में नवाचारों को अपनाया जाए, जिससे उनकी पैदावार में बढ़ोतरी हो और फसलों का उचित मूल्य भी दिलवाया जाए, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने परंपरागत खेती की जगह जैविक खेती पर जोर देने और इसके लिए विशेष कैंप लगाकर कृषकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मंगलवार को जल भवन में विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश को JJM में ऊपरी पायदान पर लाया जाएगा और प्रदेश के हर ग्रामीण के घर तक जल कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। उन्होंने JJM परियोजनाओं में देरी के कारणों का पता लगाकर उनका हल निकालने और इसकी गति बढ़ाने के भी निर्देश दिए। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से खिल रही है जन जन के चेहरे पर विकास की मुस्कान। चलिए सुनते हैं आज कहां कहां पहुंचा तरक्की का कारवां। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। आज मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रस्तुत है गंगापुर सिटी जिले की नजमूल की कहानी, जिन्हें मातृवंदन योजना में सहायता राशि मिली है। नाम नजमूल है, मेरा पति का नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं मानंदपुर डोड़िया की रहने वाली हूँ। जब मैं पहली बार गर्भवती हुई तो मुझे प्रधानमंत्री शिशु मातृवंदना योजना के बारे में बताया कार्यकर्ता ने, तो मैंने उसका फॉर्म भरा और मुझे 5,000 रुपए का लाभ हुआ। उसमें मैं और मेरे बच्चे का पूरा भरण पोषण ठीक प्रकार से हुआ और मैं और मेरा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी में दौसा जिले की महिला लाभार्थी को, जो अब स्वयं का पक्का घर प्राप्त होने पर खुशी व्यक्त कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रही है। हमको है जो प्रधानमंत्री आवास के तहत है जो 1,20,000 रुपए की राशि मिली, जो मेरे पति के नाम है, उनका नाम बाबूलाल सोनी है, लाभ मेरे पति के नाम से मिला है मकान। और अब हम है ना जो सारा पूरा परिवार इसके अंदर है ना जो बढ़िया हमारे मकान में बढ़िया जिंदगी जी रहे, हमारे बुढ़ापे का सहारा हो गया। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सुविधा के लिए। आइए अब सुनते हैं भरतपुर जिले की महिला लाभार्थी को, जो उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन मिलने से बहुत खुश है। मीरा है, मैं अटारी गांव की रहने वाली हूँ। आज हमारे यहाँ विकसित भारत संकल्प शिविर लगा था, जिसमें मुझे उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला है। इससे अब मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, मुझे चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बच्चों के लिए जल्दी खाना बना सकूंगी, सास ससुर के लिए भी जल्दी खाना बना सकूंगी। धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, मुझे ये कनेक्शन मिला, इस योजना का लाभ मिला। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, हिंदी गौरव हिंद का, हिंदी है पहचान, हिंदी जोड़े हिंद को, हिंदी अपनी शान। समस्त प्रदेशवासियों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के दिव्यकृति सिंह को घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, वीर भूमि की बिटिया ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव। आज नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा घुड़सवारी में अपने अद्भुत व अद्वितीय खेल कौशल के लिए राजस्थान की बिटिया दिव्यकृति सिंह जी को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने पर पूरा प्रदेश गौरवान्वित है। ये शानदार व अविस्मरणीय उपलब्धि आपकी मेहनत, लगन व ध्येय निष्ठा का परिणाम है। राजस्थान परिवार की ओर से अनंत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय राजस्थान। और आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। लेते हैं आपसे विदा, लेकिन खबरों का सिलसिला सुजस आवाज राजस्थान पर यूं ही जारी है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।